Welcome back to BBVN online classes. In last video we read about generations of computer and the next topic is troubleshooting computer operations. While working on your computer you may encounter certain problems. जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. फॉर एग्जाम्पल योर सिस्टम वॉन्ट बूट और बूट रिपीटेडली. या तो आपका सिस्टम बूट नहीं होता या फिर वो रीबूट होता है बार बार. और हीट अप और शो द ब्लू स्क्रीन, या फिर वो हीट करता है बार बार ब्लू स्क्रीन है वो शो करता है. फॉर सच प्रॉब्लम यू शुड नो बेसिक ट्रबल शूटिंग टेक्निक विच इज वट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर. आज अपन बात करें कुछ जनरल टिप्स की. देन जनरल टिप्स के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है ऑलवेज चेक द केबल्स. हमेशा केबल्स को चेक करें कौन कौन सी केबल्स है वो अटैच है या नहीं है. जो भी आपने सिस्टम में अटैच कर रखी वो प्रॉपरली अटैच है या नहीं. आइसोलेट द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसको आइसोलेट करें. ट्राई रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें. जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें. टेक नोट्स अबाउट एरर मैसेज, और जो भी आपका एरर मैसेज होता है उसको नोट करें. सम ट्रबल शूटिंग टेक्निक इन्वॉल्विंग कंप्यूटर पार्ट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम. कुछ एक ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम आपके आएगी जिनको अपन सही करेंगे, जो रिलेटेड होगी कंप्यूटर पार्ट्स से और ऑपरेटिंग सिस्टम से. तो फर्स्ट है वो है प्रोग्राम रन स्लोली और इज नॉट वर्किंग राइट. कि अगर आपका प्रोग्राम है वो स्लोली वर्क करता हो या फिर वो अच्छे से काम नहीं करता हो. ट्राई टू क्लोजिंग द प्रोग्राम एंड रीओपनिंग इट. प्रोग्राम को क्लोज करें, उसे रीओपन करें. नेक्स्ट है शट डाउन कंप्यूटर, वेट फॉर फ्यू सेकेंड एंड बूट इट अप अगेन. अपने कंप्यूटर को शट डाउन करें, कुछ सेकेंड तक आप वेट करें, उसके बाद उसको वापस बूट करें या अपन कह सकते हैं उसको ऑन करें. एंड अपडेट सॉफ्टवेयर, अपन जो भी सॉफ्टवेयर अपने रेगुलरली अपडेट करते रहें. नेक्स्ट इज प्रोग्राम इज कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव. अगर आपका प्रोग्राम है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो आप क्या करें, ओपन टास्क मैनेजर. टास्क मैनेजर ओपन करें. टू ओपन द टास्क मैनेजर होल्ड डाउन कंट्रोल अल्टर और डिलीट की. आप अपने कंप्यूटर पर हैं वो अल्टर है कंट्रोल डिलीट इन की को प्रेस करें तो आपका जो टास्क मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा. सेलेक्ट द प्रोग्राम एंड क्लिक एंड टास्क. अपने प्रोग्राम को सेलेक्ट करें और एंड टास्क पे क्लिक करें. ये कब होता है, जब अपन उसको क्लोज नहीं कर पाते हैं, वो कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, तो अपन को क्या ओपन करना होता है, टास्क मैनेजर. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग और शटिंग डाउन द कंप्यूटर. अपने कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट और शट डाउन करने में प्रॉब्लम होती है तो जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है पावर बटन विल नॉट स्टार्ट कंप्यूटर. जो पावर बटन है वो कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर पा रहा है तो अपन क्या करें, चेक द पावर केबल टू कंफर्म दैट इट इज प्लग इन सिक्योरली इनटू द बैक ऑफ द कंप्यूटर केस एंड द पावर आउटलेट. अपने जो पावर केबल है वो आपकी प्रॉपरली जो प्लग है या नहीं है, या अपन का जो पावर आउटलेट है वो प्रॉपरली ढंग से आपका लगा हुआ या नहीं है उसको चेक करें. पावर बटन के पीछे जो वायर होते हैं वो प्रॉपरली मदरबोर्ड पे अटैच है या नहीं है उसको चेक करें. नेक्स्ट आता है नॉट सिस्टम डिस्क और डिस्क एरर मैसेज. अगर आपके सामने ऐसा मैसेज आ रहा है कि सिस्टम डिस्क नहीं है या फिर डिस्क एरर मैसेज आ रहा है तो आप क्या करें, रिमूव द डिस्क लाइक CD, DVD, USB फ्रॉम द ड्राइव एंड रीस्टार्ट योर कंप्यूटर. अपने कंप्यूटर से कोई भी CD, DVD या USB आपने अटैच कर रखी उसको हटाएं, रिमूव करें और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें. इफ़ नॉट दिस केस, अगर ये केस नहीं होता है तो क्या करें, देन इट मीन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द हार्ड डिस्क गेट करप्ट. इसका मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका करप्ट हो चुका है. यू नीड गेट इट रीस्टॉल. आपको इसको रीस्टॉल करने की जरूरत होगी. नेक्स्ट इज विंडो शटिंग डाउन मैसेज विल नॉट डिसअपियर. कि आपका जो मैसेज है वो आपका शो नहीं हो रहा है कि आपका कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है तो आप क्या करें, समटाइम्स विंडो विल फ्रीज ड्यूरिंग द शट डाउन प्रोसेस. कई बार ऐसा होता है कि आपका विंडो है वो फ्रीज हो जाता है शट डाउन प्रोसेस के दौरान. एंड प्रेस एंड होल्ड पावर बटन फॉर अबाउट 10 सेकेंड. अपना जो पावर बटन है उसको 10 सेकेंड तक प्रेस करके रखें. और अनटिल द कंप्यूटर टर्न ऑफ, जब तक कि आपका कंप्यूटर है वो टर्न ऑफ नहीं होता. नेक्स्ट इज कंप्यूटर बीइंग रैंडमली रीबूटिंग और क्रैशिंग.
कंप्यूटर बार बार रीबूट हो रहा है या क्रैश हो रहा है तो क्या करें, चेक फॉर ओवरहीटिंग, आप ये चेक करें कि आपका कंप्यूटर ओवरहीट कर रहा है या नहीं कर रहा, कंफर्म दैट देयर इज गुड एयर फ्लो अराउंड द कंप्यूटर, आप ये चेक करें कि आपके कंप्यूटर के चारों ओर है वो हवा है, जो एयर है वो आपकी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही। कई बार ऐसे होता है कि कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा हीट करता है तो वो बार बार रीबूट होता है, तो आप ये भी चेक करें कि जो फ़ैन लगा होता है सिस्टम के अंदर वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और कंप्यूटर है उसको अपन एक ओपन जो प्लेस पे रखें जिससे कि कंप्यूटर है उसके आसपास है वो एयर है फ्लो होती रहे। नेक्स्ट इज़ अपडेट योर एंटीवायरस एंड स्कैन फॉर वायरस, आपने जो एंटीवायरस है उसको अपडेट करें और जो रीस्कैन करें जिससे कि ये वायरस है उसको वो जो डिटेक्ट कर सके और उसको रिमूव कर सके। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम विद द मॉनिटर, मॉनिटर के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है जनरली, इसमें फर्स्ट आता है नो पिक्चर ऑन द मॉनिटर, अगर आपके कंप्यूटर पे पिक्चर नहीं शो रही है तो आप क्या करें, कंफर्म द कंप्यूटर इज टर्न ऑन, पहले ये चेक करें कि आपका कंप्यूटर टर्न ऑन है या नहीं है। देन चेक द ब्राइटनेस कंट्रोल, अपने ब्राइटनेस को चेक करें उसको कंट्रोल करें। चेक द कनेक्शन फॉर द मॉनिटर एंड इट्स केबल, अपने मॉनिटर और इसकी केबल को चेक करें कि वो प्रॉपरली अटैच है या नहीं है, जो वीजीए आपकी केबल आती है जो मॉनिटर और सीपीयू से अटैच होती है उसको चेक करें। नेक्स्ट आता है मॉनिटर गोज ब्लैंक पीरियडिकली, कि अगर आपका कंप्यूटर जो मॉनिटर वो बार बार जो आपका ब्लैंक हो रहा है तो क्या करें, इफ द स्क्रीन सेवर इनेबल, अगर आपका स्क्रीन सेवर इनेबल है एंड चेंज द स्क्रीन सेवर सेटिंग बाय गोइंग टू योर कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल पे जाएं और अपनी जो स्क्रीन सेवर है उसकी सेटिंग को चेंज करें। या फिर इसके साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि अपने जो सीपीयू है उसको ओपन करें और जो रैम होती है अपनी उस रैम को निकालें, उसको साफ करें और देन वापस अटैच करें। नेक्स्ट इज नो साउंड और स्पीकर प्रॉब्लम, अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपका स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है या साउंड नहीं आ रहा है तो क्या करें, एंश्योर दैट द साउंड कार्ड ड्राइवर इज इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर एंड इट्स वर्किंग प्रॉपरली, आप ये चेक करें कि आपका जो साउंड कार्ड ड्राइवर है वो प्रॉपरली जो आपके इंस्टॉल है या नहीं है और प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज चेक द वॉल्यूम कंट्रोल ऑन योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पे जो वॉल्यूम कंट्रोल है उसको चेक करें। मेक श्योर द स्पीकर आर टर्न ऑन इफ यूजिंग एक्सटर्नल स्पीकर और कनेक्टेड टू ऑडियो पोर्ट और यूएसबी पोर्ट, अपने स्पीकर को चेक करें वो टर्न ऑन है या नहीं है, और साथ ही साथ अगर आपने जो एक्सटर्नल स्पीकर यूज कर रखा है तो उसके साथ आप ये चेक करें कि जो ऑडियो पोर्ट में जो उसकी केबल है वो अटैच है या नहीं है, प्रॉपरली अटैच है या नहीं है, और यूएसबी पोर्ट है उसमें आपकी यूएसबी केबल है वो अटैच है या नहीं है। नेक्स्ट आता है कनेक्ट हेडफोन्स टू करेक्ट ऑडियो पोर्ट, अपने हेडफोन है उसको करेक्ट ऑडियो पोर्ट में डालें, डिटरमाइन इफ साउंड इज ऑडिबल फ्रॉम द हेडफोन्स, कि आप ये चेक करें कि आपका जो साउंड है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये कुछ जनरल प्रॉब्लम्स है जो कंप्यूटर के साथ आती है, उनको आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं और सही कर सकते हैं।